हेलो एवरीवन, मैं सरिता, लखनऊ ब्लॉगर सरिता में आपका स्वागत है दोस्तों, और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है 22 जनवरी। 22 जनवरी बहुत ही खास दिन है आज, आप लोग जानते ही हैं, जिसका बहुत ही बेसब्री से सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। और आज राम मंदिर अयोध्या का में प्राण प्रतिष्ठान की प्रक्रिया जो है वो हो चुकी है, और बहुत काफ़ी उत्साहित हैं सभी लोग। लेकिन राम लहर भी चल रही है, तो हमारे लखनऊ में कैसा माहौल छाया हुआ है तो ये आप लोगों को हम दिखाएंगे। तो चलिए, वीडियो में बने रहिएगा, इसकी मत करिएगा। तो हम दिखाते हैं कि हमारे लखनऊ में क्या लहर चल रही है, तो आप लोग आइए साथ में देखते हैं। घर से निकलते ही हमारी गली देखिए पूरी सजी हुई है, और अब हम चल रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम घर से निकल चुके हैं, और आप लोगों को जगह जगह ये झंडे आप लोगों को दिख जाएंगे। पूरा शहर भगवा रंग में विलीन है। हर जगह आप लोगों को जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग मिल जाएंगे। मंदिर को ये देखिए, बहुत अच्छा डेकोरेशन सजा हुआ है। सब कहीं रोड पे आप जाएंगे हर मंदिर के पास, और जगह जगह आपको भंडारे मिल जाएंगे। हमको भी भंडारा, तो ऑटो में बैठे बैठे हमको भी प्रसाद मिल गया था, हम प्रसाद खा रहे थे। और जगह जगह पे आप लोगों को हर चीज दिखेगी, यहाँ पे भंडारे और मिठाई बांटते हुए, पानी बांटते हुए हर जगह दिख जाएगा। मंदिरों में बहुत चहल पहल है। ये सामने भी देखिए भंडारा लगा हुआ है। अब हम आ गए हैं पक्के पुल पे। पक्के पुल को देख सकते हैं आप लोग, ये देखें नदी है यहाँ पे। पक्के पुल के पास दक्षिण मुखी ये हनुमान मंदिर जो है, यहाँ पे भी भंडारा लगा हुआ है। ये देखिए काफी भीड़ है, और यहाँ पे सभी लोग दर्शन भी कर रहे हैं और भंडारा भी खा रहे थे। तो हम यहाँ की फोटो शूट कर लिए थे। और ये आपको बुद्धा पार्क मिल जाएगा, यहाँ पे टेडी बेयर वगैरह मिल रहे थे। बहुत ही अच्छा है बुद्धा पार्क, आप कभी भी जा सकते हैं, टहल सकते हैं यहाँ पे। ये आप लोग देख सकते हैं, इसके आगे ये है रेजिडेंसी, आप लोगों को दिख रही है। और ये है शहीद स्मृति वाटिका, काफी सुंदर बनी हुई है। यहाँ आप लोग आ सकते हैं, फोटो तो खिंचवा सकते हैं, और अपने बच्चों को भी टहला सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर बना हुआ है। ये थोड़ा सा और आगे आप पढ़ेंगे तो साइंटिस्ट को वाटिका मिल जाएंगे। ये रोड के दूसरे साइड की वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। तो जगह जगह ये झंडे और ये स्टॉल्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, मंदिर मिल जाएंगे, और जगह जगह भंडारे मिल जाएंगे। तो इसलिए मैंने इधर की भी, दूसरे साइड की भी वीडियो शूट कर ली थी। तो
आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा, देखते रहिएगा। ये फल वगैरह भी लगे हुए हैं, नवीन गल्ला मंडी के साइड का हम वीडियो शूट कर रहे थे, तो इसीलिए सारी रोड का मैंने एक ही साथ में वीडियो शूट किया है। तो आप लोग भी मंदिर जाइए, देखिए, बहुत चहल पहल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो देखते रहिए। यहाँ पे दूधले वाली बग्घी जा रही थी तो मैंने इसकी भी वीडियो शूट कर ली। ये देखिए घोड़े जा रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने ये सोचा ये भी मैं शूट कर लेती हूँ। ये सेंट जोसेफ स्कूल है, तो देख सकते हैं, वीडियो में बने रहिए। ये देखिए ताड़ी खाने के पास कार सज रही थी दूल्हे की, और फूलों की मंडी है, यहाँ पे शंकर जी का मंदिर भी है। तो अब हम फ्रेंड्स पहुंच गए हैं मंदिर, हमको मंदिर जाना था इसलिए हम आए थे। तो आप लोग देख सकते हैं जगह जगह सब लोग झंडे लिए हुए हैं, जगह जगह सभी लोग जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे पूरे शहर में, बहुत ही अच्छा लग रहा था और काफ़ी भीड़ थी। तो ये देखे कोई व्लॉगर वीडियो शूट कर रही थी, मुस्कुरा रही थी, इसलिए हम भी मुस्कुरा दिए। तो अब चलते हैं, प्रसाद उसार लेते हैं और मंदिर के अंदर चलते हैं, तो इसकी वीडियो आप लोगों को अलग से मिल जाएगी। हम ये देख सकते हैं शनिदेव मंदिर वाले गेट से हम प्रवेश किए थे, तो देखिए अभी भी कितनी भीड़ है, ये रात तक भीड़ रहेगी, ये देख सकते हैं आप लोग। चारों तरफ राम की लहर छाई हुई है, ये देख सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं घर, मंदिर में मैंने दर्शन किए, हनुमंत धाम में गई थी वहाँ पे दर्शन किए, और शनिदेव वाले जो गेट है वहाँ से मैंने एंट्री किया था। तो दोस्तों अब हम किसी सवारी का वेट कर रहे हैं, अब घर जा रहे हैं, शाम होने वाली है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं मंदिर गई थी हनुमंत धाम तो उसकी वीडियो अलग से आएगी, तो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा मंदिर बना हुआ है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।